तो भाई अभी सुबह के ना 6 बजे लगे हैं, और छोटू भाई वहाँ पे ऊपर देख के आपने थोड़े से गए, क्योंकि इनकी ना 3-4 बकरियाँ रह गई हुई है ऊपर जंगल में ही, रात के टाइम, कल शाम के टाइम है, तो उनको देखने के लिए जा रहे हैं। बाकी अभी सुबह सुबह का टाइम है यहाँ पे, भाई तो भाई सोए हुए हैं और मैं यहाँ पे सोया हुआ था, और सामने का व्यू कुछ ऐसा है भाई। यहाँ से अभी हम आग वगैरह जलाएंगे, पानी वगैरह लेके आएंगे, क्योंकि छोटू भाई अकेले है यहाँ पे और कोई नहीं है, और हम हैं, तो छोटू भाई तो चले गए। तो भाई आग जला ली हमने, और अभी पानी लाने का काम बाकी है। ये आगे इनके डॉग है यहाँ पे, एक फीमेल डॉग और एक मेल डॉग है इस वाली तरफ को। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, स्वागत है भाई आपका हमारे आज के एक और नए ब्लॉग में, आज की एक और नई वीडियो में, और भाई स्वागत है आपका इन खूबसूरत से पहाड़ों में। अपनी रात भाई यहाँ पे बीती हुई है, यहाँ पे भाई तू भाई सोए हुए हैं, मतलब मैं भी यहीं पे सोया हुआ था, अभी धूप आ गई मस्त वाली। बाकी भाई उनकी ना बकरी है उस तरफ को, आजकल छोटे भाई हैं 2-3 दिन से यहाँ पे अकेले, मामा जी और माँ जी वो गए हुए हैं उस तरफ रोहतांग वाली तरफ को, अपनी भेड़े लेके उनकी ऊन निकालनी है। बाकी भाई ऐसा ऐसा कुछ व्यू है, वो सामने से धूप आने लगी हुई है, और भाई मुझे एक बार फिर से एलर्जी छींके वही यहाँ पे डस्ट की वजह से ना। तो भाई ऐसे ऐसे पहाड़ों में हमने रात बिताई है आज की, कितने खूबसूरत पहाड़ है ये, और ये टेंट अपने भेड़ पालकों का। भाई पानी वहाँ है, एक नाला है, वहाँ से पानी लेके आएंगे अभी, मतलब वहाँ है पानी अभी इनके लिए। और छोटू भाई भाई सुबह सुबह ही चले गए हैं ऊपर वाली साइड को, क्योंकि उनकी ना 3-4 बकरियां रह गई हुई है जंगल में ही, उनके छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे ऐसे आवाज़ें करने लगे हैं कि भाई दूध पिलाओ हमें, तो दूध कैसे पिलाएं जबकि उनकी माताएं तो वहीं पे रह गई हुई हैं ऊपर, तो उनको ढूंढने के लिए गए हुए हैं। तो भाई अभी मैंने ना आग जला दी हुई है मस्त वाली यहाँ पे, बाकी भाई तो भाई भी यहाँ पे अभी उठ गए सुबह 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 सुबह, तो क्या अभी 7 बज गए जैसे, बाकी यहाँ पे सोए हुए थे, यहाँ पे भाई सोए हुए थे, यहाँ पे मैं सोया हुआ था, बाकी छोटू भाई भाई वहाँ पार वाली साइड को सोए हुए थे ओपन में ही, क्योंकि सारी बकरियाँ भाई उस तरफ को बैठी हुई हैं ना, रुकी हुई हैं परे को, तो उनकी देखभाल के लिए सोना पड़ता है ऐसे। जब लोग बोलते हैं भाई टेंट में क्यों नहीं सोते, टेंट ये वो, तो क्या समझाएं भाई आपको। अरे भाई पानी लेने के लिए जा रहा हूँ भाई, कैसी बीती है रात? मस्त, बाकी मैंने अपना स्लीपिंग बैग वगैरह सब वो कर दिया पैक वहाँ पे। ठंडे यार यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडे भाई, ऐसे धूप आ गई पर ठंडे ना भाई, यहाँ पे बहुत ठंड है यार, मतलब स्पीति वाली वो लाहौर वाली ठंड तो नहीं है पर। पैरों में लग रही थी ठंड। अच्छा तो मतलब था सॉक्स मत उतारो ना, यही तो है कैंपिंग में भाई, सॉक्स पहननी पड़ती हैं, टोपी पहननी पड़ती है, गर्म कपड़ों के साथ सोना पड़ता है। छोटू भाई भाई वहाँ गए ऊपर पे कहीं पे, लास्ट टाइम मुझे दिखे थे थोड़ी देर पहले वहाँ ऊपर, बट अभी नहीं दिख रहे हैं। तो चलो भाई कैन उठा लिया हमने, पानी लेके आते हैं। भाई बैठो आप, मैं आया है ना। ओके ये भाई इनके डॉगी यहाँ पे, मरचू कैसा है, और वो देखी वहां पे। वो सामने पे भाई अपने भेड़ पालकों का डेरा, वहां पे टेंट लगा हुआ देखो, और छोटू भाई तो वहां गए हुए ऊपर। बाकी ऐसे ऐसा कुछ व्यू है देखो पहाड़ों पे, और अभी हम यहाँ से पानी भरेंगे, यहाँ से पानी भर के ले जाएंगे हम, बट मैं भरने के लिए कुछ लेके नहीं आया, तो मुझे ऐसे जैसे किसी जगह पे भरना पड़ेगा ताकि कैन नीचे आ जाए और इसमें पानी अच्छे से भर जाए। तो भाई भर लेते हैं इसको और फिर मिलते हैं आपको। तो भाई वहाँ पे टेंट लगा हुआ अपने नोमैडिक जयपुर लोगों का ना, और यहाँ पे सारी बकरियाँ जितनी भी है यहाँ पे ऐसी बैठी हुई सारी हैं यहाँ पे, और कुछ ही भाई वहाँ चढ़ गई ऊपर घास चरने के चक्कर में, और कुछ एक बैठी हुई है शांति से यहाँ आराम से अभी। बाकी भाई आज मौसम ऐसा है देखो, बादल बादल से हैं थोड़े, धूप इतनी अच्छे से नहीं आ रही है, अगर बादल नहीं होते तो धूप बहुत अच्छी आ जानी थी यहाँ पे अभी।
छोटू भाई को देख रहा हूँ मैं, वहाँ ऊपर कहीं दिख नहीं रहे हैं जंगल में। उस वाले टेंट के अंदर भाई हम सोए हुए थे, वहाँ पे मैं और भाई, तू भाई और अपने छोटू भाई, देखो भाई यहाँ पे सोए थे। ये छोटू भाई का पूरा बिस्तर यहाँ पे रखा हुआ, छोटू भाई ने अभी तो नीचे रखा हुआ, शायद से ना दिन के टाइम पे इसको ना कहीं पत्थर के ऊपर, ऐसे ऐसे पत्थर के ऊपर रख देंगे छोटू भाई, क्योंकि रात के टाइम, आज की रात के लिए भी छोटू भाई यहीं पे सोएंगे, इसी वाली जगह पे। बाकी बाकी भाई ये है सारी बकरियां इस तरफ को, इनकी बहुत कम दिख रही है भाई, थोड़ी सी बकरियां लग रही है यहाँ पे तो, कुछ एक वहाँ है ऊपर, बाकी भेड़े नहीं है, सिर्फ बकरियां बकरियां ही है यहाँ पे। तो भाई स्वागत है आपका हमारे आज के कॉर्नर ब्लॉग में, आज की कॉर्नर वीडियो में। तो वैसे ऐसे ब्लॉग स्टार्ट अभी कर रहा हूँ आमने सामने, वैसे मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया उस समय भाई एप्पल खाने लगा हुआ, छीके लगी, बट एप्पल खाने का अपना अलग ही मजा, और वो भी मनाली वाला एप्पल। 8 बज गए भाई, अब यहाँ से मुझे निकलना है कुल्लू के लिए। मैंने यार कैमरा साफ नहीं किया फ्रंट, पता नहीं कैसी वीडियो आ रही होनी इसमें। तो भाई मेरे हाथ में ना ये एक रेन कोट है, और ये मान जी के लिए भेजा हुआ था, हमारे एक फौजी भाई हैं मंडी तुंगड़ वैली कोटली वाली साइड से, उन्होंने भेजा हुआ था, और काफ़ी टाइम पहले भेजा हुआ था शायद से, यार मतलब दिख नहीं रहा है ऐसे कैमरे वाली तरफ। तो भाई ने मान जी के भाई स्पेशली भेजा हुआ था, चंडीगढ़ से भेजा था कुरियर में, और कुरियर करके भेजा हुआ था। तो भाई ने बोला भाई कि मान जी के पास पहुंच जाना, फिर उस टाइम पे मान जी जा रहे थे लाहौल वाली साइड, तो वहाँ पे इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है इस रेन कोट की। आज मैं यहाँ पे आया तो अब यहाँ पे ले आया मैं मान जी के पास, यहाँ पे मान जी है नहीं तो यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, छोटू भाई इनको दे देंगे इसको। बाकी फौज भाई थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। बाकी भाई आपने जो दिया हुआ था रेन कोट वो हमने दे दिया, अभी यहाँ पे छोड़ देंगे मान जी के लिए। बाकी भाई एक टाइम पे तो मुझे ऐसा लगने लगा कि यार 5-6 महीने हो गए इसको मेरे पास, और भाई शायद से भाई को लगेगा कि यार बंदे ने वो रेन कोट दिया नहीं मान जी को, मतलब कि खुद ही अपने पास ही रख लिया, यार कितना खतरनाक बंदा है ये, कितना घपड़ेबाज है। पर नहीं भाई ऐसा नहीं है, मतलब कि हमारे घर में देर है पर अंधेर नहीं है यार। तो इसको भाई हम यहाँ पे छोड़ देंगे भाई, तू भाई के पास देना मान जी को आपने, ठीक है। बाकी भाई ठीक है, मैं निकलने लगा अब, आप रहना आराम से, और खाना पीना मस्ती करनी, और जंगल में मत जाना, कहीं भालू वालू उठा ले तो अच्छा लगेगा फिर ऐसे ही। तो भाई अभी ना 8:30 हो गए शायद से, और छोटू भाई भी आ गए यार। छोटू भाई काफ़ी मतलब मेहनत की, ऊपर तक गए बट बकरियां इनको मिली नहीं अभी। और छोटू भाई क्या करेंगे, खाना वगैरह खाएंगे यहाँ पे, खाना वगैरह बनाएंगे, दाल बची है रात की, चावल उबालेंगे, वही मतलब हो जाएगा। और फिर ना भी छोटू भाई सारी बकरियां यहाँ पे है, बकरियां वाइड एंगल किया तो इतना अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, और ऐसे लेके जाएंगे बकरियों को ऊपर वाली साइड, तो जो बकरियां रात की छुट्टी हुई कहीं पे वो मिक्सअप हो जाएगी बकरियों के साथ, खुद ही मिल जाएंगी ऊपर वाली साइड को। और किस्मत अच्छी हुई इनकी, वैसे अच्छी होती है किस्मत, मिल जाती है नो डाउट, कभी कभार होता है ऐसा कि बड़ा ही। भाई ठीक है फिर, तब है ना छोटू भाई, अपना ध्यान रखो, टेंशन फ्री रहना, ठीक है। ठीक है बड़े भाई, छोटे भाई ठीक है फिर ना, रहो आराम से, ओके बाय टाटा। ठीक है ले लेना, मैंने पूरा सामान डाल दिया ना अपना, कुछ छुटा दो नहीं, जरूरी जरूरी मतलब खाना खा के जाओ। नहीं भाई बस अब खाना खा के मैं उधर ही खाऊंगा पहुंचने के बाद, आप करो आराम से भाई, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो तो बताना मुझे, ऑनलाइन ठीक कर दूंगा मैं सब, ऑनलाइन की दुनिया है ना भाई। छोटे भाई ऑनलाइन बकरियां ढूंढ दे मेरे ऊपर भाई, उनके ना एक चिप लगेगी उनके ना उधर कान के अंदर, एक चिप फिट करेंगे हम ना, फिर ऐसे ट्रेस करते रहेंगे उनको कहाँ है, मिल जाएंगी यार, टेंशन लेनी है आपने। ओके भाई, ओ लास्ट बाय बाय टाटा, मिलते हैं बाद में फिर, ठीक है ना, ओके। मेरे लिए तो सारी दुनिया नाल लड़ लागे, तू जीते तेरी आई मर लागे, तू जीते तेरी आई मर लागे, तू जीते तेरी आई। तो भाई ना मुझे लिफ्ट मिल गई हुई है, मैं ट्रक पे जा रहा हूँ, ये अपने ट्रक वाले भाई, पूरे का पूरा रोड टूटा हुआ भाई, वो क्लाथ पहुंचे अभी हम, पूरा सिंगल वे बन गया, 4 लेन का कोई पता नहीं 4 लेन कहाँ है क्या है, नदी के साथ साथ जा रहे हैं हम। पहला भी दिल टूटिया, फिर टूटिया मेरा एक बारी, क्यों दिल दी दीवार थी मैं।
सड़क न बनाई भारी मैं ताइयों दीवारा रखिया इस दिल दे चार चुफेरे नल सांभ के रखनिया कोई दिल च ना ले डेरे आ मेरा पहला भी दिल टूटिया फिर टूटिया मेरा एक बारी तो भाई के साथ मैं कुल्लू तक आया यहाँ पे भाई अपने मंडी से हैं भाई थैंक यू सो मच आपने यहाँ तक पहुँचा दिया हमें बाकी मिलेंगे भाई हम फिर कभी है ना ओके भाई हाँ थैंक यू भैया जी तो भाई फाइनली हम पहुँच गए कुल्लू में उस वाले ट्रक पे आए हम भाई के साथ और ये रात ना कुल्लू शहर भाई यहाँ पे चलते हैं भाई अब थक गए यार